खाली सीट वाइज आप चुनाव रिजल्ट देख रहे हैं किसके खाते में कितनी सीटें हुई, मगर ये नहीं देख रहे कि टोटल स्टेट में अगर 280 सीटों पर चुनाव हुआ, 70 सीटें भाजपा ने ली। अगर आप जम्मू कश्मीर के मैप में देखेंगे तो वो 4 जिलों में उन्होंने एकतरफा लिया है, मगर 16 जिलों में, 15 जिलों में नॉन बीजेपी मैंडेट है। वो कहीं एनसी, कहीं पीडीपी, कहीं कांग्रेस, कहीं आज़ाद, कहीं कुछ अलग अलग शेप है। मगर बड़ा सवाल ये है कि 20 में से 15 जिलों में नॉन बीजेपी मैंडेट है कुल मिलाकर, जहां पर कोई भी शक्ल सूरत अदर देन बीजेपी चेयरमैन कल बन सकता है। तो आज जितनी वाहवाही यहां से लेकर दिल्ली तक बनाई गई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मैं आपके ज़रिए देश के जनता को ये बताना चाहता हूं कि ये 70 सीटें 4 जिलों में ली गई, 16 जिलों ने डिफरेंट शक्ल सूरत दिया। तो अब जब चेयरमैन बनने की बात आएगी, जब जम्मू कश्मीर में 15 जिलों में नॉन बीजेपी चेयरमैन बनेंगे, 4 या 5 में बीजेपी का बनेगा, उस वक्त ये ढुंडूरा पीटने वाले देश को क्या कहेंगे? कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है, जहां डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने इस चुनाव में अच्छा हिस्सेदारी लिया, वहीं पर इन चुनावों के ज़रिए दिल्ली वालों के जम्मू कश्मीर के बारे में फैसले लिए, जो लिए गए उसके बारे में कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिग्नल दिया है कि आपने हमसे पूछे, हमारी शक्ल सूरत ख़त्म कर दी, जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया, हमें यूटी में बदल दिया, हमने क्या कसूर किया था? वो एक बड़ी सिग्नल इस वोट में है जिसको अनकोड करना देश की प्रथम कुर्सी पर बैठने वाले शख्स को करना होगा। बाकी तो सीटें अभी रिजर्वेशन लगनी है, वो भी एक गलत प्रोसीजर इन्होंने अडॉप्ट किया। ज़िले में किस कैटेगरी का चेयरमैन बनेगा ये उनको उस वक्त नोटिफिकेशन के साथ करना चाहिए था। अब ये भी वो मैनेज करेंगे कि किस ज़िले में किसका बनने वाला है, कौन पर्सन आगे दौड़ रहा है, उसके अगेंस्ट रिजर्वेशन वहाँ देंगे कि अगर ये कोई विजय कुमार, अजय कुमार वहाँ पर फ्रंट पर है तो वो गुलाम कादिर को वहाँ रिजर्व में डाल देंगे। मतलब उथल पुथल, वरना ट्रांसपेरेंसी का मतलब था ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की रिजर्वेशन भी उनको उस वक्त क्लियर करनी चाहिए थी जब उन्होंने टेरिटोरियल सीटों की रिजर्वेशन लागू की। वो चीज़ जब तक सामने नहीं आएगा तब तक अभी भी आप जम्मू कश्मीर के ज़िलों में बता नहीं सकते हो कि किस ज़िले में क्या होने वाला है।